हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय थर्ड लेक्चर ऑफ द पोएम इनवोकेशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आफ्टर द समरी आई विल एक्सप्लेन यू द लाइन ऑफ द पोएम। सो दिस इज द टर्न ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन। सो यू जस्ट टेक आउट योर बुक इफ यू वांट, बिकॉज आई जस्ट रीड आउट द पोएम फर्स्ट, then I will explain it in Hindi and in English simultaneously. So take out your book, find out the poem and match with me and try to understand the line of the poem. So let's start. First line is, let's have compared with our own people. अथर्ववेद की 7th book के 52 हाइम में पहली लाइन में ये अविनाश चंद्र बोस हमें कहते हैं, Let's have concord with our own people. चलिए अपने लोगों से हम concord. Concord means friendship. हम अपने लोगों से दोस्ती करते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि हम दूसरों से करते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहला जरूरत तो इस बात की है कि हम अपने लोगों को अपने से जोड़ के रखें, क्योंकि अपने लोगों से दूरियां बना के कभी किसी ने विकास नहीं किया है, कभी किसी का हित नहीं हुआ है। तो लेट्स हैव कंकार्ड विद अवर ओन पीपल, पहले हम अपने लोगों से कंकार्ड करते हैं, पहले हम अपने लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, देन कंकार्ड विद द पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस। केवल अपने लोगों से मित्रता करके, अपने लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ा के हमारी उन्नति नहीं होनी है। आज वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है, जब तक हम दूसरे देशों से या कि ऐसे लोगों से जिन्हें हम नहीं जानते हैं, हम फ्रेंडशिप नहीं बढ़ाएंगे, हम उन्हें अपने दिल से नहीं जोड़ेंगे, अपने आप से नहीं जोड़ेंगे, हमारी उन्नति संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा वेद अथर्ववेद की 52 नंबर की हाइम कह रहा है कि लेट्स हैव कंकॉर्ड विद अवर ओन पीपल एंड कंकॉर्ड विद स्ट्रेंजर, जो हमारे लिए अजनबी हैं उनसे भी हमें फ्रेंडशिप करनी है। थर्ड लाइन, अश्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर। अश्विन एक गॉड है जो यूनिटी के देवता माने जाते हैं, जैसे लक्ष्मी की देवी, सॉरी धन की देवी लक्ष्मी को माना गया है, विद्या की देवी सरस्वती को माना गया है, वैसे यूनिटी मित्रता के देवता हैं अश्विन। देवता का मतलब फिर कहीं कोई असमंजस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यूनिटी कैसी बनाए, वो देवता रूपी हमारे मन में जो यूनिटी बने वो एक देवता रूपी बने, पुण्य बने, बिल्कुल प्योर हो, कहीं कोई मिलावट ना हो, कहीं कोई उसमें डाउट ना हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, दिल से हम जुड़े, अब सोल से हमारी यूनिटी होनी चाहिए। अश्विन क्रिएटर्स, हमें वो अश्विन क्रिएट करना है, हमें एक ऐसी फ्रेंडशिप क्रिएट करना है जो हमारे लिए एग्जांपल्स बने एंड यूनिटी ऑफ हार्ट्स। हार्ट मीन्स फीलिंग, हम अपनी फीलिंग से मिले, हम यूनिटी बनाए अपने दिलों की, दिलों से हम किसी से जुड़े। और जब तक हम ऐसा अपने हार्ट से हम यूनिटी नहीं मेंटेन करेंगे, तब तक केवल वो सेफ हैंड की बात हो जाती है, हाथ मिलाने की बात हो जाती है। तो हम जुड़े किसी से, अपने दिल से जुड़े। सबसे पहला मैसेज फर्स्ट लाइन में ये है कि लेट्स हैव कंकॉर्ड विद अवर ओन पीपल, हमें अपने लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, देन हमें ऐसे लोगों से भी फ्रेंडशिप करनी है जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं। फ्रेंडशिप की लेवल क्या होना चाहिए, अश्विन, वी हैव नो एनी डाउट्स व्हेन वी आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स और व्हेन वी आर हैविंग अ फ्रेंडशिप विद द टू पीपल, वी हैव नो एनी कंफ्यूजन्स, नो एनी डाउट्स। और वो यूनिटी कैसी होनी चाहिए, हार्ट की यूनिटी होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंड ऑफ योर पोएम, आई थिंक एंड आई होप कि यू विल फुली अंडरस्टैंड। अगर कहीं कोई डाउट है आप हमें बता सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा में, ये भी 4 लाइन का है और ये जो पहली पोएम है केवल 2 स्टैंजा की है। आइए देखते हैं सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, मे बी यूनाइट इन अवर माइंड। माइंड का मतलब यहाँ ओपिनियन से है, विचारों से है, हम अपने विचारों से एक हैं। जब हम फ्रेंडशिप करने जाते हैं हमारे विचार मिलने चाहिए। यूनाइट इन अवर पर्पस, पर्पस का मतलब इंटेंशन, इरादा, हमारे इरादे एक हों, हमारी सोच एक हो, ओपिनियन एक हो, हमारे इंटेंशन एक हो। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमारे अंदर जो मन में भावनाएं भरी हुई हैं किसी के भी प्रति, हमें आपस में लड़ना नहीं है। अलग बात है कि हमारी सोच अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है। अब हम ये कहने लगे कि नहीं, मेरी सोच अलग थी, आपकी सोच अलग है, आप गलत हो, मैं सही हूँ, सामने वाला भी यही सोचेगा कि आप सही हो, मैं गलत हूँ।
तो जो हम जब हमारी सोच आपस में क्लैश होती है तो वो कहीं ना कहीं अलगाव पैदा करती है, हमें अलग कर देती है। उस अलगाव की खाई को भरने के लिए हर्ट्स माइंड एंड हर्ट्स मीन्स ओपिनियन एंड पर्पज इंटेंशन हमारे एक होने चाहिए। लेट नॉट बैटल क्राई राइज एमिडेस्ट मैनेज करें। किसी भी युद्ध बैटल क्राई मीन्स युद्ध के समय होने वाली चित्कार से है। युद्ध मतलब विनाश, जो हमारे कारण है। हमें ऐसा मौका नहीं देना है कि मेरे कारण कभी किसी युद्ध को जन्म हो या हम कभी किसी झगड़े की वजह बने, ऐसा मौका हमें बिल्कुल नहीं देना है। जब भी हम सुबह उठें मन में एक ऐसी सोच लेके उठें कि नहीं आज हमें जो भी हमारे मन के डाउट्स हैं, जो भी हमारे मन के कन्फ्यूजन है, जो हमारे मन में है, जो हमें एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के इरादे से हम दिन की शुरुआत करें। एंड लास्ट लाइन, नॉट द एरो ऑफ वार गार्ड फॉल विद द ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे मीन्स होता है डान, भोर का समय। और जो भी हमारे दिन भर के कन्फ्यूजन है ना, वो दिन भर के कन्फ्यूजन शाम होने से पहले हम अपने सेटल कर। हम घर जब जाएं, अपने जब बिस्तर में जाएं, तो हमारे मन में ये कहीं किसी के मन में भावना को लेके हम घर में ना जाएं, सोने के लिए ना जाएं कि नहीं इसने ऐसा गलत किया था। कभी कोई गलत दूसरा हो ही नहीं सकता, गलतियां तो हमारे अंदर भरी हुई हैं। देखने की जरूरत इस बात की है कि मैं कितना गलत हूँ, क्योंकि अगर मनमुटाव हो रहा है, कहीं कोई आपस के बातें क्लैश हो रही हैं, उस क्लैश की वजह मैं खुद हूँ। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम उस अपनी कमियों को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, हम केवल दूसरे की कमी को देखते आ रहे हैं। हमारे वेद ये हमें बताते हैं कि आपस में यूनिटी रखना है। तो अब वो जो क्लैश हैं, वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं हमारे मन में पैदा हो रहे हैं, वी हैव टू अवॉइड दैट डिफरेंसेस। तो इस तरह से आपकी ये पोएम ओवर होती है। आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई आपको डाउट है, किसी लाइन पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डाउट हमें मैसेज करके हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएंगे। एक अगला वीडियो हम आपके कमेंट को पढ़ने के बाद और बनाएंगे, जिसमें केवल आपके डाउट्स की चर्चा होगी, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सो बेटा, ये आप मेरी तरफ से हो गया। अब जो भी आपकी तरफ से क्यूरीज हैं वो आप हमें बताएंगे। और आप सब लोग अपने क्लास का एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर हम शेयर करेंगे। ये जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, केवल ये एक क्वेश्चन आंसर आपको रेडी करना है। और ये आंसर आप अगर रेडी कर लेते हैं, इस लेसन से केवल आपको यही एक आंसर रेडी करना है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही लिखना है। तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप पे मैं इस आंसर को डालूंगा, आप इसको रेडी कर लीजिए। और ये पोएम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बेटा, यू जस्ट स्टार्ट योर वर्क एंड कंप्लीट दिस पोएम। शेयर योर सजेशंस कमेंट विथ मी बाय माय चैनल अमृत नेक्टर। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।